ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वतीति नामिने श्रीवाशभानवीदैवीदयिताय कृपाबध्यै कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिनै प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाडय श्रीरूपानगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्त दीन तारिणे रूपानक विरुद्ध सिद्ध विरुद्ध प्रसिद्धांत ध्वांत हारिणे तो आज जैसे हम चर्चा करेंगे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के तिरुभाव दिवस पर उनके बारे में चर्चा करने के लिए बहुत ही महान वैष्णव हैं और मैं केवल जो हमारे आचार्यों ने लिखा है वैष्णव ने लिखा है बोला है उसी में से हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे ताकि हम आज उनके बारे में मेडिटेट कर पाएँ उनके गुणों को सोच पाएँ और उसका कुछ अंश हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत ही महान पिता के पुत्र हुए जिनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर हम सुनते हैं कि वो कमल मंजरी थे और भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे नयन मणि मंजरी आप जानते हैं ये मंजरी जो भगवान के धाम में सखियों के साथ आ, उनके साथ सेवाओं में रत रहती हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो ये इसका मतलब एक नित्य सिद्ध व्यक्ति थे जो इस संसार में आए हम लोगों के लिए प्रचार करने के लिए और भक्ति विनोद ठाकुर को हम लोग शर्स छठे गोस्वामियों के बाद में सप्तम गोस्वामी के रूप में भी जानते हैं और बहुत ही महान आचार्य है उन्होंने हमारी संप्रदाय में इन दोनों ने भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत जो आज हम देख रहे हैं जो प्रुपात कर रहे हैं वो बहुत कुछ इन लोगों ने स्टार्ट किया किस तरह से प्रीचिंग करी जाए किस तरह से पुस्तक वितरण किया जाए ये सारी चीज़ें उन्होंने करी तो भक्ति विनोद ठाकुर के दस पुत्र हुए सो so, ये उनके दस पुत्रों में से एक थे और भक्ति विनोद ठाकुर बड़े चिंतित रहते थे कि इस संसार में जिस तरह से कलयुग आ रहा है और चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स हैं वो धीरे धीरे जैसे डीग्रेड होती जा रही हैं क्योंकि लोगों ने उसके टीचिंग्स तो वैसे ही वैसी हैं लेकिन उसका जो प्रभाव है समाप्त होता जा रहा है क्योंकि लोगों ने कई उप सिद्धांत बना लिए हैं और ऐसे कई सारे धर्म बना लिए हैं बहुत सारे ऐसे लोग सहजीय लोग आ गए हैं तो प्रेयर करते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो संसार में इसका प्रचार कर पाए चैतन्य महापुरु की वाणी का और इसके सही सिद्धांत को फिर से स्थापित करे ऐसी वो प्रेयर भगवान से करते थे तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ तो ऐसा हम सुनते हैं कि जन्म हुआ था पूरी में अट्ठारह में छः फरवरी को तिथि के हिसाब से डेट के हिसाब से तो उस वक्त पूरी में जो आपने अगर, अगर आप अभी गए हैं तो जो कहते हैं आई थिंक बड़ा दंड जो चौड़ा रास्ता जो है जहाँ पे जगन्नाथ जी की रात्रा निकलती है वहीं पर आ, इनका जन्म हुआ था आज वहाँ पर एक गौड़ीय मठ भी है तो वहाँ पर उस वक्त इनका जन्म हुआ और ऐसा सुनते हैं कि जन्म के समय पर इनके गले में जो हमारी एम्बलिकल एम्बलिकल कॉर्ड होती है मतलब जो बच्चे को जोड़ती है जहाँ से उस सारा आहार मिलता है वो गले में ऐसे लपटी हुई थी इस प्रकार से शरीर में उसके बाद छाती में जैसे कि एक ब्राह्मण जनेऊ पहनता है तो जनेऊ पैरण पह, धारण करके ही आए थे ऐसा सब लोगों ने कहा इस लोगों ने इसको बहुत ही ये बोला कि जैसे कहते हैं कि होनहार बिरवान के हो चिकने पात की ही विल बी ए ग्रेट पर्सन ऐसा देखा गया और इनकी माता का नाम था तो भगवती देवी तो उनके ये पुत्र हुए और फिर बहुत सारी घटनाएं हुई जो हम सुनेंगे इसके बाद में कि जन्म के बाद क्या क्या अलग अलग एज में क्या क्या हुआ इन्होंने क्या क्या किया तो जब ये छः महीने के थे मात्र तो इनका अन्नप्राशन सेरेमनी करी गई और भक्ति विनोद ठाकुर ने जो जगन्नाथ मंदिर के बाहर विमला देवी है जिनको सारा जगन्नाथ जी का प्रसाद पहले ऑफ़र किया जाता है और फिर वो हम लोग पा पाते हैं तो विमला जी का इनको प्रसाद दिया गया अन्नप्राशन के लिए तब तो से इनका नाम इन्होंने रखा विमला प्रसाद तो इनका एक नाम विमला प्रसाद भी है तो इस प्रकार से उसके बाद एक अद्भुत घटना घटी कि जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही थी और यात्रा इनके घर के आगे से जब निकली तो अचानक से जगन्नाथ जी का रथ रुक गया और वहाँ से टस से मस नहीं हुआ और वहीं पे खड़ा रहा तो इनकी माता जो कि उस वक्त इस स्थिति में नहीं थी कि वो कहीं जा पाए लेकिन वो घर से बाहर तो आ ही सकती थी तो वो अपने पुत्र को तुरंत घर से बाहर लेके आई और जगन्नाथ जी के सामने रखा और जगन्नाथ जी को पुत्र ने भक्ति सांसद ठाकुर ने जैसी उनके चरण छुए तो जगन्नाथ जी के ने एक अपनी हार जो है इनके गले में डाल दिया एकदम से एक हार गिरा और इनके गले में आ गया और तभी वहीं पर जो पुजारी थे उन्होंने भी बोला कि ये एक अद्भुत बालक होगा और तब लोगों ने समझ लिया कि भक्ति विनोद ठाकुर की जो प्रेयर थी कि एक ऐसा पुत्र आए जो संसार में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को बांटे वो वास्तव में आ चुका है तो यहाँ पर ये सिम्टम्स है हमें समझ में आया कि वास्तव में एक महान व्यक्ति आ गया है और अब वो चैतन्य महापुर की शिक्षाओं का पूरे संसार में हाँ प्रचार करेगा उसके बाद लगभग लग दस महीने बाद अपने जन्म के वो लोग लो नवदीप में चले गए ये लोग और नवदीप में इनका इनकी परवरिश हुई और अब बचपन से ही अपनी माता से और अपने पिता से भी ये हरी कथा सुनने लगे हरी कथा चैतन्य महापौर के बारे में बचपन से ही इनकी रुचि थी और ऐसा सुनते हैं कि जब भी भक्ति विनोद ठाकुर क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे बहुत बड़े प्रचारक थे जब भी घर में कोई आता था तो लंबी चर्चाएं होती थी हाँ फिलॉसफी के बारे में लीलाओं के बारे में तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस वक्त बच्चे थे और ऐसे बैठते थे जैसे एक एक शब्द को पी रहे हैं विद रैप्ट अटेंशन और एक एक बात को बड़े ध्यान से वो सुनते थे बचपन से ही और बड़े पक्के थे बचपन से ही बड़े पक्के थे एक बार हम सुनते हैं कि आ, भक्ति ठाकुर जैसे कि अपने पुत्र को सिद्धांतों के बारे में पक्का करते थे तो उन्होंने एक बार क्या हुआ कि घर में आम आए और आम को जो है मालूम नहीं चला इनको कि आम ऑफर नहीं है तो भक्ति सिद्धांत सर जी ठाकुर ने एक आम खा लिया जो भगवान को प्रॉपरली ऑफर नहीं किया गया था तो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने ये उनको टोका कि तुमने कैसे तुम कैसे खा सकते हो जो चीज़ भगवान को ऑफर नहीं करी गई तो उन्होंने बड़ा दुखी होते हुए प्रण लिया कि आज के बाद मैं कभी आम नहीं खाऊंगा और बचपन में हम लोग बहुत प्रतिज्ञाएं करते हैं हम सब लोग कि हम पुलिस वाले बनेंगे कमिश्नर बनेंगे पायलट बनेंगे लेकिन हम जानते हैं ऐसे प्रॉमिस बच्चे करते हैं और छूट जाते हैं भूल जाते हैं लेकिन इन्होंने इस प्रतिज्ञा का पालन अपने पूरे जीवन में किया जो केवल इतने छोटे से बच्चे के रूप में इन्होंने प्रतिज्ञा करी थी और जो भारत में रहता है वो जानता है कि आम की क्या वैल्यू है कैसा फल है आम इवन संसार के लोग भी जानते हैं आम को ना खाना हम सो सकते हैं पूरे जीवन आजीवन आमना खाना बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी एक छोटे से बालक के लिए जिसको उन्होंने पूरे जीवन में इसलिए अपनाया ताकि उनको हमेशा ये याद रखे कि किस प्रकार से जैसे हम सुनते हैं ब्राह्मण वही होता है जो भगवान के प्रसाद से तुष्ट होता है भागवतम में ये कथा ये श्लोक आता है चार कुमार के वर्णन में तो ब्राह्मण वही है जो भगवान के प्रसाद से संतुष्ट हो या वैष्णव वही है तो इसलिए उन्होंने आजीवन इसका फिर सेवन नहीं किया अब जो है बिमला प्रसाद बड़े हो रहे थे बड़े हो गए थे वो लगभग लग सात साल के हो गए थे तो केवल सात साल की उम्र में ही जैसे कि हमारे बच्चे समझ लीजिए पहली दूसरी क्लास में बच्चा पहुँचा हुआ है और इस उम्र में क्या होता है कि वो पूरी भगवद गीता के एक एक श्लोक को कंटस्थ कर लेते हैं और न केवल कंटस्थ कर लेते हैं बल्कि उस श्लोक के ऊपर टिप्पणियाँ चर्चाएँ भी करने कर, करने लगते हैं थे केवल सात साल के बालक में और जब उनके पिता उनके अंदर ये क्वालिटी देखते हैं तो उनको अपने साथ अपनी सेवा में लगा लेते हैं भक्ति विनोद ठाकुर बहुत चीज़ें लिखते थे राइटर थे सज्जन तोशनी एक पुस्तकी, पुस्तक की पुस्तक पुस्तक थी मैगजीन जिसको बाद में इन्होंने कंटिन्यू भी किया अपने पिता के जाने के बाद तो उसकी ये प्रूफ रीडिंग एडिटिंग ये सारे काम प्रिंटिंग अपने पिता के साथ करने लगे केवल सात साल की आयु में जबकि हमारे बच्चे का खेलने का मन होता है तब ये पुस्तकों को एडिट करना और प्रूफ रीडिंग करने अपने पिताजी के साथ लगे और हम सुनते हैं कि बचपन में केवल ये केवल नरोत्तम दास ठाकुर की पुस्तकें पढ़ते थे और अपने पिताजी की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ते थे और कोई पुस्तकें पढ़ते नहीं थे यानी कि इन्होंने अपने टेक्स्ट बुक जो होती है स्कूल कॉलेज में जो स्कूलों में जो बुक होती है उसको भी नहीं पढ़ते थे लेकिन इतनी हैरानी की बात है कि ये क्लास में हमेशा अव्वल नंबर पर आते थे क्योंकि जब ये क्लास में बैठते थे तो एक बार सुनने मात्र से इनको सब कुछ कंठस्थ हो जाता था इसलिए उनको बाद में पढ़ने की आवश्यकता कभी पड़ी नहीं तो क्लास में टॉप करते थे और घर में क्या पढ़ते थे नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर की पुस्तकें तो कितनी इंटेलिजेंस भगवान ने इनको दी थी क्योंकि इनसे बहुत विशेष कार्य संपन्न होना था इसी तरह हमें भी सोचना चाहिए कि हमारी जो इंटेलिजेंस है हम उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाएं आजकल बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आज की डेट में भी होते हैं लेकिन वो सारी इंटेलिजेंस ड्यू टू रॉन्ग गाइडेंस पैसा कमाने में लग जाती है उसके बाद ये थोड़े और बड़े हुए लगभग तेरह साल की आयु अब ये तेरह साल की आयु में हो गए हैं और इसके पहले कुछ घटनाएं ऐसी हो गई हैं कि इनका घर बन रहा था जब तो घर बनते हुए खुदाई के समय वहाँ से कर्म के विग्रह मिले और इनके पिताजी ने वो कुर के विग्रह इनको दे दिए और बोला कि तुम इनकी पूजा करा करो क्योंकि कर्म जो है आपको याद होगा कि Uh, समुद्र मंथन लीला में कुर्म ने नीचे से आके मंदराचल को थामा था और उसको स्टेबिलिटी दी थी नहीं तो नीचे घिसता जा रहा था तो उनके पिताजी ने बोला कि यदि तुम कुर की पूजा करोगे तो तुम्हें तो भक्ति में स्टेबिलिटी मिलेगी हुँ? तो इसलिए तुम कूर्म की पूजा तो बचपन से ही छोटी सी उम्र में वो विग्रह सेवा करने लगे कर्म की सेवा कर्म भगवान की सेवा करने लगे साथ में उनके पिताजी ने उन्हें नरसिंह भगवान का मंत्र दिया और बोला इसको जपा करो ताकि तुम्हें माया का कवि राम माया से तुम्हारी हमेशा रक्षा कर पाए तो ये मनसिंह नरसिंह मंत्र पढ़ रहे थे और साथ में इनको तेरह साल की आयु में ही उन्होंने तुलसी की बीट्स दे दी थी तुलसी माला जिसमें कि इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया था तो तेरह साल की आयु में ये हरे कृष्ण मंत्र जप रहे थे कुर्म के विग्रह की सेवा कर रहे थे नरसिंह भगवान के मंत्र पढ़ रहे थे तो ये बचपन से ही इन्होंने इतना स्टेबिलिटी दिखाई अपनी भक्ति में धीरे धीरे ये बड़े हुए तो इनकी नॉलेज बढ़ती गई बहुत ज़्यादा प्रख्यात पंडित हो गए इनको स्कॉलरशिप मिली संस्कृत कॉलेज हाँ, कैलकटा के अंदर और ये एस्ट्रोलॉजी संस्कृत फिलोसफी में एकदम पारंगत हो गए और 15-16 साल की आयु में ही इन्होंने एक नई क्या कहेंगे लैंग्वेज लिखने का तरीका बना लिया आ, मुझे लगता है पंद्रह साल में हम लोग सीख भी नहीं पाते हैं कि इंग्लिश कैसे बोली जाए ढंग से हिंदी कैसे बोले जाए उसके व्याकरण कैसे है इन्होंने एक नया लिखने का तरीका बना लिया आप लोगों को मालूम होगा शॉर्ट हैंड कहते हैं आ, पहले के ज़माने में शॉर्ट हैंड होता था जब टाइप राइ जब टाइप होते थे यही सब उस ज़माने में तो जैसे हम कोई बोल रहे हैं हम लोग नोट्स बनाते हैं ना तो नोट्स बनाते हुए जल्दीबाजी में शब्द ठीक से नहीं लिख पाते पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिख पाते तो शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज है कि आप एक पूरे वर्ड को एक जस्ट लाइन के थ्रू लिख सकते हो एक लाइन ऐसे खींची तो इसका मतलब ये है तो ऐसी शॉर्ट हैंड तो इन्होंने अपनी ही शॉर्ट हैंड लैंग्वेज बना ली सोलह साल की आयु में उसके बाद ये हुए लगभग पच्चीस साल के तो जब ये पच्चीस साल के हुए तो ये एस्ट्रोनॉमी के इतने बड़े विद्वान बन गए कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत आज भी उस पुस्तक को माना जाता है ऐसा कहते हैं कि ये सबसे पुरानी अवेलेबल किताबों में से है जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताती है तो ये उन्होंने ही लिखी तो सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक इन्होंने पूरे ग्रह नक्षत्र कैसे मूव करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है इस तरह से उन्होंने तो ये इतने बड़े पंडित बन गए ऐसी पुस्तकें लिखने लगे कि जहाँ भी ये जाते थे लोग इनको ऑफ़र करते थे आइए हमारे कॉलेज में आप प्रोफेसर बन जाइए पढ़ाई लिखाई तो आपकी हो गई अब समझ लीजिए जबकि ये स्टूडेंट ही थे उस वक्त इनको प्रोफेसर बनने के प्रपोज़ल आने लगे लेकिन इन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया बीच में ही छोड़ दिया जैसा हम सुनते हैं शिला शिलापुरबाद ने भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई को बिना डिग्री लिए छोड़ दिया तो इन्होंने छोड़ दिया उसका मुख्य कारण ये था कि इन्होंने देखा जिस तरह से मेरी प्रसिद्धि बढ़ रही है यदि मैंने कुछ डिग्रियाँ और ले ली तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा क्या इस काम का कुछ कमाने का प्रपोजल आएंगे शादी के प्रपोज़ल आने लग जाएंगे हाँ कहते हैं ना कि आपका बच्चा कितना पढ़ा लगा है ग्रेजुएट है क्या ये है क्या तो इतना है तो इन्हों को लगा कि अगर मैंने पढ़ लिया तो गड़बड़ जाएगी तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई वहीं पर बीच में ही छोड़ दी ताकि ये संसारिक कामों में ना फंस पाए हाँ और सारा जीवन अपना भगवान की भक्ति में ही लगाए उसके बाद बचपन में ही इन्होंने इनका इनका भाई का नाम था अच्युतानंद तो अब ये इस घटना से पता चलेगा इनका कितना फेत था महामंत्र के ऊपर तो अच्युतानंद इनके ब्रदर थे और वो बीमार पड़ गए उनको बीमारी हो गई तो उस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु संभव मतलब उसको ऐसा लगता था कि अब ये समाप्त ही हैं तो इन्होंने अपने भाई के पास में बैठ कर लगातार छः दिन तक हरी नाम किया और उसमें एक दिन भी खाया नहीं छः दिन तक बिना खाए इन्होंने अपने भाई के सामने खूब नाम किया और ऐसा हम सुनते हैं कि छठे दिन में छठे दिन में उनके भाई के मस्तक पर श्री संप्रदाय का तिलक अपियर हो गया और वो बोले कि मैं पिछले जन्म में गौड़ीय वैष्णव था लेकिन किसी कारण से मेरे से कुछ वैष्णव अपराध हुए तो मैं इस संसार में दोबारा आया लेकिन अब मैं मुक्त हो चुका हूँ तो ऐसा बताते हैं इन्होंने अपने भाई को अपने लगातार जप से मुक्त कर दिया और वो भगवान के धाम में गए तो इस प्रकार से बचपन से ही इनके अंदर बड़ी श्रद्धा बड़ा दृढ़ विश्वास था हरि नाम के प्रति और फिर बीच में ये जगन्नाथ दास बाबा जी से मिले जो कि भक्ति विनोद ठाकुर के साथ काफ़ी उनका मिलना जुलना था हम जानते ही हैं हमारे ऑल्टर में जगन्नाथ दास बाबा जी रहते हैं गुरु परंपरा में तो जगन्नाथ बाबू जी जब इनसे मिले और इनके बारे में उन्होंने जाना और इनकी इनके ज्ञान को देखा तो उन्होंने इनको एक सजेशन दिया कि आपको एक वैष्णव कैलेंडर बनाना चाहिए जिसमें सारी तिथियाओं सारे आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव सब कुछ हाँ बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी कि कौन कौन सी तिथि को आया था कब आया था वो सब आप एक वैष्णव कैलेंडर बनाइए तो इन्होंने वैसा ही किया इन्होंने वैष्णव कैलेंडर बनाया तो आज हम जो वैष्णव कैलेंडर फॉलो करते हैं वो उन्हीं का उन्हीं की देन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लगभग छब्बीस साल के अब हो गए और अब समय था उनकी दीक्षा का तो उनको आ, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने सजेस्ट किया कि आप जो है गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा लीजिए गौर किशोरदास बाबा जी अक्सर भक्ति विनोद ठाकुर कक्षाएं लेते थे उन कक्षाओं में वो आते थे और वहाँ बैठते थे तो उनकी भक्ति को देख के प्रभावित थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी तो उनके पिताजी ने बोला कि आप इनसे दीक्षा लीजिए अब समस्या यह थी कि गौर गौरकिशोरदास तो बाबा जी किसी को दीक्षा देते नहीं थे हाँ तो ये उनके पास गए कि मुझे आप अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए बड़ी हम्बली ये गए लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा कि तुम्हें मैं दीक्षा कैसे दे सकता हूँ इतने पढ़े लिखे इतने नॉलेजेबल इतने बड़े तपस्वी को मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा तो ऐसा एक दो बार तक चलता रहा वो प्रेयर करते रहे आप प्रार्थना करते रहे कि आप मुझे दे दीजिए मैं आपका चरणों का दास बनना चाहता हूँ अंत में गौर किशोर बाबा जी ने बोला कि अच्छा मुझे गौर सुंदर से चैतन्य महापुरु से पूछने दो मैं उनसे पूछे बिना तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा तो अगली बार आना मैं बताऊंगा तुम्हें कि वो क्या कहते हैं तो ये अगली बार गए फिर से तो उसमें भी उन्होंने बोला ओहो मैं उनसे पूछना ही भूल गया तो कई बार ऐसा चलता रहा तो अल्टीमेटली फिर एक बार आए तो उन्होंने कहा ये तो ऐसे बात ख़त्म नहीं होगी तो गौर किशोर बाब ने बोला कि चैतन्य महापुरु ने तुम्हें दीक्षा देने से मना कर दिया इस पर ये बिल्कुल टूट गए और उन्होंने कहा इस जीवन का क्या लाभ यदि मैं आपका सेवक नहीं बन पाया तो मैं इस जीवन को ही त्याग दूंगा न? तो इतनी उनकी डिटर्मिनेशन देखने के बाद अल्टीमेटली गौर किशोर किशोरदास बाबू जी ने उनको दीक्षा दी और विष बानवी जो हम सुनते हैं ये ये जो नाम है उनका तभी उनको उन्होंने उनको मिला गौर किशोर किशोरदास बाबू जी एक बहुत ही एलिवेटेड व्यक्ति थे ये भी हमारी गुरु परंपरा में आते हैं हम जानते हैं इतने एलिवेटेड थे कि ये शमशान के आसपास जो कपड़े गिरे होते हैं उसी कपड़ों को अपना लंगोट बना के पहन लेते थे इधर उधर जो बर्तन टूटे टाटे इधर बर्तन गिरे होते हैं उन्हीं में ये अपना चावल को यमुना जी में थोड़ा ये गंगा जी में भिगो के उसी में पका के ये खाया करते थे तो ये बड़ा रेयर था कि ये किसी को और बहुत लोग इनको मानते थे इनके दर्शन करने लोग इतने आते थे कि ये अपना जप नहीं कर पाते थे तो ये ऐसी जगह में जाके जप करते थे जहाँ लोग मल त्यागते हैं तो ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन बस सांसारिक दृष्टि से बड़े ही साधारण लगते थे लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी भी अपनी नॉलेज को अपने ज्ञान को अपने सर पे नहीं चढ़ने दिया और बड़ी विनम्रता से उन्होंने अपने प्रेम से श्रद्धा से समर्पण से गुरु का मन जीता जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने एक्चुअली में जीता लोकनाथ गोस्वामी का तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है क्या बने दिख यहाँ पर उनकी दीक्षा हुई उसके बाद लगभग जब वो 31 साल के थे 31 साल की आयु में लगभग 1905 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक कह सकते हैं कि भीष्म प्रतिज्ञा ली बहुत बड़ी हाँ एक वाव लिया और वो था सौ करोड़ नाम जपने का भगवान के तो उसके लिए उन्होंने ये निर्धारित किया कि मैं रोज़ तीन लाख नाम जपूंगा जितना कि हरिदास ठाकुर जपते थे यानी कि एक सौ बानवे माला रोज करने का इन्होंने फैसला किया और उस वक्त ये लगभग चार साल तक इन्होंने योग पीठ जो कि जन्म स्थान है चैतन्य महापुरु का वहाँ पर इन्होंने चार साल तक एक सौ बानवे माला करी और कोई कुछ था नहीं वहाँ पर कोई प्रॉपर हट या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी श्री जगन्नाथ बल्दी सुधर सदेशन की जाए श्री गिताई की जाए श्री राधा मदन मोहन की जाए तो चार साल तक इन्होंने वहाँ पर एक सौ बानवे राउंड्स किए और फिर इन्हें कुछ थोड़ी कई पर उसका प्रभाव से इन्हें कुछ ज़मीन मिली और वहाँ पे छोटी सी एक हट बनाकर उसके अंदर इन्होंने लगभग नौ साल और कंटिन्यूसली एक सौ बानवे वाला और हम ऐसा सुनते हैं कि उस दौरान इन्होंने इतने कड़े नियमों का पालन किया कि चतुर्मास के दौरान ये आ, आ, खाने को जो, जो जो प्रसाद पाते थे वो ज़मीन पे ही करके और हाथों को पीछे करके अपने मुँह से डायरेक्टली ज़मीन पर से पाते थे और इन नौ सालों में इन्होंने अपने लिए पक्की पक्की छत नहीं बनाई थी जो झोपड़ी जो थी जो भी हट थी वो लीक करती थी मानसून में उसमें से बारिश आती थी तो उसको ठीक करने के बजाय क्योंकि नियम इतना पक्का था कि रोज़ जपना है एक छतरी लेके बैठ जाते थे किसी भक्त ने छतरी दी तो उसी को लेके बैठ गए और एक सौ बानवे माला करते रहे और ऊपर से पानी टपकता रहा तो इस प्रकार से बहुत ही कड़ी तपस्या इन्होंने करी क्योंकि अपने आप में एक मिसाल है और ये अपने आप को बेसिकली आगे आने वाले समय के लिए तैयार किया कि जो इन्होंने आगे करना था जो इन्होंने प्रचार कार्य करना था उसके बाद लगभग सैंतीस साल के ये जब थे तो उन्नीस में वैष्णव के ऊपर बड़ा अटैक होता रहता था हाँ सिद्धांतिक रूप से भी तो कई सारे स्मार्थ ब्राह्मण थे जात ब्राह्मण वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे खासतौर पे भक्ति विनोद ठाकुर को और भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर को क्योंकि ये लोग बड़े कड़े थे अपने प्रचार में और उन्होंने बड़ा इस बात का प्रचार किया कि वास्तविक वैष्णव कौन है क्या जन्म से कोई वैष्णव होता है तो वैष्णव संप्रदाय के ऊपर बड़ा अटैक हुआ एक कॉन्फ्रेंस एक, एक बुलाने का विचार हुआ कि उसमें ये लोग भी आएंगे जात ब्राह्मण और बाकियों को बुलाया जाएगा और उसमें खूब डिबेट होगी डिस्कशन होगी तो भक्ति विनोद ठाकुर को उसमें जाना था लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बड़े बीमार थे बहुत बीमार थे तो उस वक्त इनके बेटे भक्ति सिद्धांत सरदी ठाकुर ने एक नोट बनाया एक तरह का एक आर्टिकल बनाया और अपने पिताजी को प्रस्तुत किया और पिताजी ने उसको जब पढ़ा तो इतने प्रसन्न हुए उन्होंने कहा अब इस संसार को उबारने वाला आ गया है हाँ उस आर्टिकल में ये लिखा था कि वैष्णव कौन है हाँ वास्तविक वैष्णव कौन है वैष्णव के तो इस प्रकार से उसके आधार पर सभी ने ये आग्रह किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कि आप जो है इस कॉन्फ्रेंस में जाइए और वैष्णव को रिप्रेजेंट कीजिए ये बहुत बड़ा विषय था क्योंकि यहाँ पर हार मतलब हाँ बहुत बड़ा झटका <coughs> वैष्णव संप्रदाय को तो भक्ति सांत सत्य ठाकुर वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने बोलना आरंभ किया तो जब उन्होंने बोलना आरंभ किया तो उन्होंने खूब से ब्राह्मणों की आ, बड़ाई करी उनकी खूब ग्लोरीफिकेशन करी हाँ और बताया कि ब्राह्मण में के कुल में जो जन्मा है वो व्यक्ति असाधारण है क्योंकि ब्राह्मणों के बीच में जन्मा है तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तो जितने भी ये जात ब्राह्मण थे बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि ये तो जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण को मानते हैं तो ये बड़े प्रसन्न हो गए कि जब भक्ति सिद्धांत हमारे सपोर्ट में बोल रहा है अब हमें कोई रोक नहीं पाएगा दुनिया में लेकिन उसके बाद में इन्होंने तो ब्राह्मण की क्वालिटीज़ के बारे में बोलना शुरू किया कि वास्तविक ब्राह्मण कौन है जो हम सुनते हैं कि भागवत में भी यदि चंडाल भी भगवान के नाम का जप करता है भक्ति करता है समर्पित करता है तो वो परम शुद्ध हो सकता है वो यज्ञ भी कर सकता है तो उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र की कि, किबा है शूद्र कहना है यही कृष्ण तत्वयता सही गुरु है कि क्या सन्यासी हो या चंडाल हो या शूद्र हो या कोई भी हो जो कृष्ण तत्व को जानता है वही वास्तव में गुरु बनने लायक है ब्राह्मण बनने लायक है और इस उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली बहुत सारे रेफरेंस दिए शास्त्रों से और सारे उनकी बातों को काट डाला तीन दिन तक डिबेट चली तीन दिन तक कई सारे उत्तर प्रति उत्तर उधर से क्वेश्चन इधर से क्वेश्चन और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक एक क्वेश्चन को काट डाला और अंत में इसके अंत में उन्होंने लगभग दो घंटे तक एक अंतिम प्रवचन दिया और उस प्रवचन को देने के बाद उन्होंने बोला क्या कोई है अब जो इस बात को झुटला सकता है इसके आगे इस पर तर्क दे सकता है और उस वक्त एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ और चारों तरफ चुप्पी छा गई और तब सारी तरफ से एक धमाका मतलब लोगों ने खूब तालियां बजाई लोग इतने प्रभावित हो गए कि भक्ति सिद्धांत सरद्री ठाकुर के चरण स्पर्श करने के लिए कूद पड़े और वहाँ पर पुलिस प्रशासन आ गई और उन्हें ये तो कुछ बवाल हो जाएगा अगर क्योंकि भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर बड़े हम्बल भक्त अपने चरणों को स्पर्श करने नहीं दे रहे थे तो वहाँ बड़ी हथा हाथापाई सी होने लगी और पुलिस प्रोफेशन को ज़बरदस्ती भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर के पैरों को एक पानी लिया उन्होंने एक बाल्टी के अंदर उसमें उनके पैरों को डाला और उस जल को पूरी जनता के ऊपर छिड़का तब जाके वो शांत हुए तब जाके वहाँ पे वो एक प्रकार का दंगा होने लगा था तो इतने लोग उससे प्रभावित हो गए और इस प्रकार से उन्होंने वैष्णव के सम्मान को स्थापित किया जो हमारी परंपरा कहती है ख़ासतौर पर जिस परंपरा में हम जानते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जो है ऊँची कास्ट के नहीं थे लेकिन गंगा नारायण जैसे ब्राह्मण के वो गुरु बने हरिदास ठाकुर को हम जानते हैं तो इन्होंने उस सिद्धांत को बड़ी हाँ सॉलिड तरीके से प्रस्तुत किया और सबका मुंह बंद किया उसके बाद जब ये चालीस वर्ष के थे लगभग तब इनके पिता जो है संसार को छोड़ के चले गए नित्य लीला में और जब ये इकतालीस साल के थे तो इनके गुरु भी संसार को छोड़ के चले गए अब ये बहुत बड़ा झटका था इनके लिए आ, आ, बिल्कुल इन्होंने अपने आप को एक तरह से असहाय समझ रहे थे लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके सर पे आ गई आ, गौर किशोरदास बाबा जी का जब शरीर उन्होंने त्यागा तो बहुत सारे संसार के लोग आ गए कि इनका शरीर हमें दे दीजिए हम इनकी समाधि बनाएंगे और ये लोग बिल्कुल ऐसे लोग थे बड़े ढोंगी लोग उस वक्त चल रहे थे जो कि दुनिया भर के इंद्री तृप्ति के कार्य करते थे कोई नियम का पालन नहीं सहजिया और ये लोग भक्ति सिद्धांत के शरीर के समाधि बनाने के लिए तैयार हो गए ऐसा क्यों था क्योंकि वो जानते थे कि जहाँ पर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि बनेगी वहाँ बहुत लोग आएंगे और बहुत चढ़ावा चढ़ेगा हाँ तो सब लोग क्लेम करने आ गए उनके शरीर को तब जो है भक्ति सिद्धांत ऋतु ठाकुर का कि मैं एकमात्र शिष्य हूं अपने गुरु का इनके शरीर में किसी को हाथ लगाने का अधिकार नहीं हाँ लेकिन कोई फिर भी काफ़ी बहस वहाँ चलती रही तो भक्ति सिद्धांत ऋतु ने बड़ा ही बोल्डली उस वक्त बोला कि यदि मेरे गुरु परम पवित्र व्यक्ति हैं उनके शरीर को वही व्यक्ति टच कर सकता है जिसने किसी स्त्री के साथ पिछले एक साल संबंध ना बनाया हो अब वहाँ पर बड़े बड़े योगी सन्यासी लोग सो कॉल्ड सन्यासी लोग खड़े थे हाँ तो वो चुप खड़े रह गए कोई आगे नहीं बढ़ा तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ठाकुर आगे कहते हैं कि मेरे गुरु के शरीर को अच्छा वही हाथ लगा सकता है जिसने छः महीने तक किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं किया कोई आगे नहीं आया हु? फिर अंत में बोलते हैं वही मेरे गुरु को स्पर्श कर सकता है जिसने पिछले तीन दिनों में किसी स्त्री के साथ हाँ गलत संबंध नहीं बनाया और फिर भी कोई नहीं आया तो पुलिस वाले जो है भक्ति सिद्धांत को बोलते हैं कि मुझे लगता है कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कुछ यहाँ कुछ स्कैंडल चल रहा है इसका मतलब तो तुम्हें लगता है कि ये सच बोलेंगे तो भक्ति सिद्धांत बोला अगर ये सच बोलेंगे तो मैं इनकी बात अगर जो ये बोलेंगे मैं मान लूँगा लेकिन कोई भी व्यक्ति के अंदर भक्ति सिद्धांत की प्योरिटी को देखकर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आके बोलें कि हाँ हम आपके हाँ इनके शरीर को लेके जाएंगे तो अंत में भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर ने अपने गुरु की एक गुरु की समाधि बनाई ऐसा सुनते हैं कि बाद में गंगा जी का जब आ, फ्लो थोड़ा सा इधर को जाने लगा तो भक्ति किसान सरस्वती ठाकुर उस समाधि को यहाँ पे ले आए राधा कुंड के पास में जो अभी हम देखते हैं आ, जो वहाँ पे भक्ति गौड़ी मठ है राधा कुंड श्याम कुंड है तो वहीं पर उनकी गौर की सरस्त बाबा जी की समाधि अभी है तो उन्होंने अपने गुरु की समाधि वहाँ पर बनाई और इसके बाद इनको बिल्कुल खालीपन महसूस हुआ इनके अंदर ऐसा लगा कि शक्ति चली गई है सारी बड़ा विरह ये महसूस कर रहे थे अपने गुरु और पिताजी के जाने के बाद इनको स्वप्न में पंच तत्व आए और पंच तत्व जबरदस्त नृत्य कर रहे थे और इन्होंने देखा कि पंच तत्व के साथ नृत्य कर रहे हैं इनके पिताजी और इनके गुरु और दोनों नृत्य कर रहे हैं और दोनों स्वप्न में नृत्य करते करते इनके पास आते हैं और बोलते हैं कि भक्ति सिद्धांत आपको प्रचार करना है आप निराश मत होइए आपने बहुत बड़ा कार्य करना है आप आगे बढ़िए आप निकलिए हाँ गौर किसी तरह से दास बाबा जी पहले भी कहते थे कि आपको प्रचार करना चाहिए हाँ कैलकटा में जाइए शहर में जाइए वहाँ जाके प्रचार कीजिए तो ये दोनों बोलते हैं कि आप प्रचार कीजिए जो भी आपकी ज़रूरत है प्रचार में लोग पैसा वो सब कुछ आएगा डोंट वरी हाँ तो इस प्रकार से स्वप्न में आके इनको ये बोलते हैं और हाँ भक्तिशाल ठाकुर को नया प्रेरणा मिलती है प्रचार करने की और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आप जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में चौंसठ मठ स्थापित किए पूरे भारत में हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ गौड़िया मठ दिख जाता है हमको ऐसी ऐसी जगहों पर हुँ? और इन्होंने एक जो है जो है पाद स्थापित किए चैतन्य महाप्रु के पाद को स्थापित करते थे चरण चिन्ह आप यदि आप जाएंगे रंगनाथ जी के पास में श्रीरंगम तो श्रीरंगम मंदिर के बाहर ही आपको वहीं पर प्रांगण में आपको दिखेगा वहाँ पर भी इस प्रकार के पाद स्थापित इन्होंने किए हैं तो जगह जगह पर इन्होंने मंदिर बनाए और बहुत सारे अपने भक्त बनाए विदेशों में भक्तों को भेजा हाँ शिलाप रूपात से पहले इन्होंने और कई सारे अपने शिष्यों को विदेश में भेजा ताकि वहाँ पर प्रचार हो सके अपने पिताजी की पुस्तक को आ, पुस्तकों को भी इन्होंने विदेशों में भेजा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएँ या उनका जीवन उस पुस्तकों को इन्होंने कई जगह भेजने में अपने पिताजी की भी मदद करी थी तो बहुत बड़े प्रचारक बने इन्हें डायरेक्टली पंच तत्व का आशीर्वाद प्राप्त था प्रचार करने के लिए और प्रचार करने का एक उन्होंने नया तरीका निकाला था और वो था जिसको ये कहते थे बृहद मृदंग जो आज हम इतना पुस्तक वितरण करते हैं तो इन्होंने पुस्तक वितरण पर बहुत जोर दिया जैसा कि इनके पिताजी भी करते थे और हम एक घटना सुनते हैं आपको याद होगा कि कैसे राधा कुंड के पास में जब एक बार भ्रमण कर रहे थे तो शिल्प रूपात इनके साथ चल रहे थे और तब इन्होंने प्रभुपात को बोला था कि जब हम छोटे मंदिर में थे आई थिंक उल्ट उल्ट जंक्शन आई बिलीव तो वहाँ पर किराए का मकान था तो सब कुछ बढ़िया सही था अब जो है हम बाग बाज़ार में आ गए और बाग बाज़ार में आग लगी है तो कैसी आग लगी है हर कोई इस बात के लिए लड़ाई कर रहा है कि मेरा कमरा कौन सा होगा मेरा कमरा यह होगा मेरा कमरा यह होगा मेरे को ये सुविधा मिलेगी हाँ कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि सारे मंदिर के संगमनपर को निकाल के बेच दिया जाए और पुस्तकें वितरण करी जाएँ फिर ये प्रभुपात को वो इटर्नल वो इतना ट्रांसीडेंटल दिव्य आदेश देते हैं कि यदि तुम्हारे पास कभी लक्ष्मी हो धन हो तो तुम पुस्तक वितरण करना और शिल ने इस सेंटेंस को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तो इस प्रकार से इन्होंने इस बृहद मृदंग को बजाया जिसको ये कहते थे कि जब हम मृदंग बजाते हैं तो कमरे के अंदर आवाज़ आती है पड़ोस के घर में आवाज़ आएगी लेकिन बृहद मृदंग जब बजता है तो पूरे संसार में उसकी आवाज़ आती है और हमेशा आती रहती है यानी कि पुस्तक जो है एक बृहद मृदंग है जो कि बार बार पढ़ा जा सकता है सुना जा सकता है और इस पुस्तक को संसार में हर जगह आप फैला सकते हो तो मृदंग की ध्वनि को ऐसे नहीं फैला पाओगे तो इन्होंने एक नया तरीका पर बहुत एम्फेसाइज़ किया कि पुस्तक बनाना पुस्तक बांटना बहुत बड़ा कार्य है जो कि शिलप आज भी हमसे करा रहे हैं उसके बाद ये लग जब लगभग 48 साल के हो गए थे इनको भी प्रभुपात कहते हैं आप लोग कई जगह सुनेंगे शिला रुपात एक्चुअली में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी कहा जाता है बाद में आ, हमारे संस्थापक आचार्य को भी प्रभुपात की उपाधि दी गई तो शिला रुपात जो है अड़तालीस साल के अब हो गए हैं अब ये पहली बार ये वो घटना है जब अभय चरण अपने इटरनल गुरु से उनकी भेंट हुई हुँ? तो 1922 में प्रभुपात पहली बार भक्ति सिदान सश ठाकुर से मिले और तब ये कैलकटा में छत में प्रचार कर रहे थे लेक्चर लिया करते थे और शिला प्रुपात के बारे में कहा जाता है कि शिलोप्रपात एक ऐसे प्रभावी व्यक्ति थे कि बचपन से ही उनके मित्रों में वो एकदम अग्रणी थे और किसी को भी कोई भी डिसीजन लेना होता था तो शिला प्रभुपात से पहले पूछता था अभय चरण से ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा हाँ ऐसा व्यक्ति जो है उनका उनका जो विचार था उनका विचार ये था प्रभुपात का कि जितने भी साधु हैं ये गड़बड़ है बहुत सारे अक्सर साधु गड़बड़ है ये गलत संबंध बनाते हैं और योगियों के कपड़े पहन लेते हैं और घरों घरों में जाकर भिक्षा मांगते हैं इस प्रकार का विचार उनका बन गया था ऐसा देख देख कर तो उनका जब मित्र उनको लेके जा रहा था तो वो ही वॉज नॉट एग्रीड कि मैं किसी साधु के पास नहीं जाना चाहता लेकिन उनका मित्र उनके पास ले ही गए और जैसे ही प्रुपाद गुरु अपने गुरु से मिले तो वहाँ पर चर्चा हो रही थी भक्ति की प्रचार की तो प्रुपाद बोलते हैं भक्ति सिद्धांत सरवी ठाकुर को कि अभी भारत गुलाम है अभी बड़ा आवश्यक है कि भारत की जो खोई हुई ग्लोरी है उसको वापस लाया जाए ताकि तब जब भारत बोलेगा तो सारा संसार सुनेगा अभी भारत एक गुलाम देश है गुलाम देश के लोगों की बात कौन सुनेगा हाँ तो अभी हमें भारत को पहले आज़ाद कराने का फोकस करना चाहिए तो भक्ति सिद्धांत जो कि सिद्धांत हाँ इसलिए उनको नाम भी बोला भक्ति सिद्धांत में बहुत ही पक्के थे वो बोलते हैं कि कृष्ण भाव संसार की एकमात्र समस्या है वो है कृष्ण भावना मत की कमी हाँ यही अगर संसार को दे दिया जाए तो सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी हाँ तो वो कहते हैं कि ये इतनी ज़रूरत है इतनी अर्जेंसी है कि भारत के आज़ाद होने का वेट नहीं किया जा सकता है ये आज की आ, बिल्कुल अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज़रूरत है और शिल प्रपात कहते हैं कि ये वचन सुनकर उन्होंने तभी मान लिया था कि ये मेरे गुरु हैं यही मेरे गुरु हैं और उनके साधुओं के प्रति जो उनके विचार थे उसके बाद से उन्होंने बोला बोलना शुरू किया कि दिस साधु इज डिफरेंट ये साधु कुछ और है ये अलग है और उनसे रेगुलरली मिलने लगे उनकी कथाएँ सुनने लगे आ, और बड़े प्रिय भक्त अपने गुरु के बन गए भक्ति सिद्धांत ठाकुर लायन प्रीचर के नाम से जाने जाते हैं सिंह गुरु और ऐसे कई उनके जीवन में एपिसोड हुए जिसमें उन्होंने ये स्थापित किया कि सिद्धांत बड़े पक्के होने चाहिए एक व्यक्ति थे राधा रमन चरण बाबा जी तो राधा रमन चमन चरण बाबा जी जो है बड़े फेमस हो गए थे उनके हजारों हजारों डिसाइपल्स थे तो उन्होंने एक नया मंत्र बना लिया था जो मंत्र आज भी सुनते हैं हम लोग निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम तो ये जब उन्होंने सुना तो भक्ति सिद्धांत अपने पिताजी से डिस्कस करते हैं ये तो ठीक नहीं है हाँ ये तो कंकॉक्शन मेंटल कंकॉक्शन ऐसा मंत्र कहाँ दिया गया चैतन्य महापुरु ने कब दिया हाँ और ये रसाभास है ये रसों को मिक्स कर रहे हैं ये ठीक नहीं है तो दोनों ने डिसाइड किया और उसके बाद से भक्ति सदन चत ठाकुर ने बड़े ही जोरदार तरीके से प्रचार किया इसके अगेंस्ट में हाँ उन्होंने सहजिया बताया कि सहजिया कौन होता है जो बिना एलिजिबिलिटी के बिना सिद्धांतों का पालन किए अपने आप को कृष्ण का मित्र गोपी पिता माता बना देता है वो सहजिया है सहजिया वो है जो नियमों का एज एट इज़ पालन नहीं करता तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ा ही कड़ाई से उसका विरोध किया और एक और घटना आती है कि एक बार ऐसे ही एक बाबा जी आए थे और वो बाबा जी को सब प्रणाम कर रहे थे और भक्ति विनोद ठाकुर भी वहाँ पर थे लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रणाम करना तो दूर उनकी शक्ल भी नहीं देख रहे थे तो उस बाबा जी को लगा तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर से बोला कि तुम्हारा बेटा मुझे देख भी नहीं रहा है क्या कारण है इसका तो भक्ति विनोद ठाकुर भी बड़े ही क्योंकि वो भी वैसे ही थे बोलते हैं कि माफ़ कीजिएगा लेकिन मेरा बेटा जो है सहजियों से नफरत करता है इस प्रकार से उन्होंने बोला तो उसके बाद से वो व्यक्ति कभी दोबारा नहीं आए तो ऐसे सिद्धांत के एकदम पक्के थे आ, उनके कई सारे लोग उनके दुश्मन बनते जा रहे थे बन रहे थे जो भी आ, घटिया लोग थे असुर लोग थे ऐसा सुनते हैं कि 1933 में जब वो उनसठ साल के थे तो उन्होंने ब्रजमंडल की यात्रा करी हज़ारों लोगों के साथ हजारों लोगों के साथ उनके साथ चल रहे थे और उस वक्त जितने भी ये स्मार्ट ब्राह्मण थे जात ब्राह्मण थे वो इतने चिड़े हुए थे इनसे हाँ क्योंकि इन्होंने निम्न जाति के लोगों को भी ब्राह्मण बना दिया था कि इनके ऊपर पत्थरों की अटैक हुआ इनकी यात्रा के ऊपर हाँ और कई लोगों ने कुछ गंदगी डाली पत्थर मारे और इनको भी पत्थर लगे लेकिन भक्ति सिद्धांत अपनी यात्रा को चलाते रहे उन्होंने कहा किसी को कुछ रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है उनको पत्थर मारने दो आप हरे कृष्णा मंत्र जपते रहो और इस प्रकार इतने बोल्डली उन्होंने उस यात्रा को कंटिन्यू किया वास्तव में एक बार एक पुलिस वाले ने भक्ति सिद्धांत के पास आए और बोले कि स्वामी जी मुझे आपको एक अंदर की बात बताता हूँ मुझे एक व्यक्ति ने आपको मरवाने के लिए पच्चीस हज़ार रुपये दिए हैं आप सोच सकते हैं कि लगभग आज से सौ साल पहले पच्चीस हज़ार की क्या वैल्यू रही होगी आप अपने माता पिता से पूछना कि उनकी सैलरी कितनी थी <laughs> जब उन्होंने नौकरी स्टार्ट करी कुछ सौ रुपए की सैलरी होती थी सौ रुपए दो सौ रुपये हाँ नाइनटीन फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटीज़ में हम उससे बहुत पहले की बात कर रहे हैं पच्चीस हज़ार आजकल के करोड़ों रुपए के समा सामान समझ लो बोले कि मैं आपको नहीं मार सकता पुलिस वाले को ही दी थी जैसे आजकल भी चलता है तो उन्होंने लगा बस आपनी आप कृपया अपना ध्यान रखिए क्योंकि बहुत लोग आपके दुश्मन बोल रहे हैं मैं आपको टच भी नहीं कर सकता मुझे पच्चीस हज़ार की किसी ने ऑफ़र करा है आपको मरवाने के लिए लेकिन भक्ति सिद्धांत से सारी डरे नहीं कभी उसके बाद भी वो अपने आर्टिकल लिखते रहे गलत चीज़ों के अगेंस्ट में क्योंकि बहुत सारे उप सम्प्रदाय बन गए थे हाँ उनको काटना बड़ा ज़रूरी था तो उन्होंने लाइन प्रीचर की तरह उसको किया और उन्नीस सौ छत्तीस में शिलप रुपात ये साल है उनके तिरुभाव दिवस का शिलप उनको एक लेटर लिखते हैं जब वो बासठ साल के थे उनको लेटर लिखते हैं कि शिलप मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आप के कई सारे प्रिय भक्त हैं जो कि ब्रह्मचारी हैं आपके साथ रहते हैं आपकी सेवाएं करते हैं मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाता तो मैं ऐसा क्या करूं मैं कैसे आपको प्रसन्न कर पाऊं कैसे मैं आपकी सेवा कर पाऊं और उस वक्त वो दिव्य संदेश वो देते हैं शिलाप्रपात को कि तुम जो है सारे संसार में चैतन्य महाप्रभु के जो ज्ञान है जो उनका देन है हमको हरिनाम है इसका प्रचार करो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी ये अंतिम संदेश एक तरह से उनको मिला और प्रभुपाद ने उसको अपना जीवन बनाया हम जानते ही हैं कैसे केवल इसी सेंटेंस को लेकर वो विदेश में गए और उन्होंने आज इतना बड़ा प्रचार किया और फिर साल था यही साल अंतिम साल उनके जीवन का इस संसार के अंदर तो ऐसा हम सुनते हैं कि उन्होंने अपने शरीर त्यागने से पहले कुछ समय पहले अपने सारे भक्तों को बुलाया और सारे भक्तों के साथ चर्चाएं करी उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने कुछ मुख्य संदेश दिए जो कि इस प्रकार हैं हाँ ये लगभग सात संदेश हमने नोट किए हैं तो संदेश इस प्रकार हैं बोलते हैं कि हमेशा तुम रूप रूपानुग बन के रूप रघुनाथ के पद चिन्हों पर चलकर प्रचार करो बड़े ही उत्साह के साथ इनके प्रचार में बड़ा उत्साह होना चाहिए ऐसे डल हो के प्रचार नहीं करना है वेरी एंथुजैस्टिकली आप सब लोग प्रचार करते रहिए और हमारा अल्टीमेट एम क्या है वो बोलते हैं आप सबका हम सबका असली उद्देश्य ये है कि कैसे हम रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चल पाएँ और उनके चरणों की धूल बन पाएँ ये आप, आप हम सब अपने जीवन में करने का प्रयास करें हाँ रूपानुग रूप गोस्वामी के शिष्यों के दास के दास के दास का दास हम बने ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए उसके बाद तीसरा बोलते हैं कि आप सब लोग हमेशा एकजुट होकर रहना कभी आपस में मतभेद ना हो आपका हाँ नहीं तो सब बेकार हो जाएगा हाँ अपराध होंगे वैष्णव अपराध होंगे संसार को भी क्या इमेज जाएगी कि हाँ तो आप सब मिलजुल कर एक साथ होकर राधा कृष्ण की सेवा में लगना ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम लोग हमारे लिए भी यही है शिलोप्रपात भी यही कहते थे कि मैं सबसे सब अधिक प्रसन्न तब होऊंगा जब आप मिल के प्रचार करोगे कम से कम आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आपके अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष एटलीस्ट ना हो हुं? तो इसलिए कॉपरेट भी चरण तो ऐसा बोलते हैं उसके बाद चौथा बोलते हैं कि कभी भी भगवान की भक्ति छोड़ना मत चाहे आपके जीवन में कितने भयंकर संकट क्यों ना आ जाए कितनी इंसल्ट क्यों ना हो जाए आपकी आपको कितने लोग आपके ऊपर अटैक ना कर दें आपके ऊपर केस ना चला दें लेकिन कभी भी आप ये भक्ति के रास्ते को मत छोड़ना हाँ उसके बाद पाँचवा बोलते हैं कि कभी भी इस बात से निरुत्साहित मत होना जब आप संसार के लोगों को प्रचार करें और संसार के लोग इसको एक्सेप्ट ना करें क्योंकि ऐसा होगा वो हो जानते थे कि जब आप प्रचार करेंगे तो आप सौ लोगों को प्रचार करेंगे तो कोई एक है जो नाम को पकड़ेगा भक्ति के रास्ते में जाएगा इस बात से कभी हतोत्साहित मत होना और प्रचार करते रहना ये हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं ना इतना बड़ा उत्सव किया उसमें खाने खाने के लिए दस हज़ार लोग आ गए अगले दिन क्लास करी तो उसमें दस लोग भी नहीं आए तो इसने कहा निरुत्साहित मत होना इस बात से पर भक्तिशांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि यदि क्लास में कोई नहीं आए तो आप दीवारों को प्रचार कीजिए दीवारों के भी कान होते हैं ऐसा उनका विचार था उसके बाद में छठा बोलते हैं कि कभी भी भगवान के दिव्य गुणों के बारे में बोलना बंद मत करना हाँ प्रचार नहीं हो रहा है हो रहा है लेकिन आप भगवान के दिव्य गुण पढ़ते रहना बोलते रहना क्योंकि ये आपका निजी भजन भी है यही भजन है इसलिए भगवान के बारे में हमेशा हाँ आप बोलते रहना पढ़ते रहना ये कहीं हम भूल ना जाएं उसके बाद आखिरी में बोलते हैं सातवां कि हमेशा एक तीर्ण जैसा बन के रहना हुं? हमने देखा कैसे उनको ब्रजमंडल परिक्रमा में पत्थर मारे गए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो चलते रहे तो यही जो है हमारी प्रचार का आधार है हाँ ह्यूमिलिटी तिरणा देवी सुनीचेन हमेशा हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करते रहो और खुद को तृण से भी निम्न समझो तो इस प्रकार से शरीर का त्याग उन्होंने बाग बाजार टेम्पल जो कि कैलकटा में है वहाँ पर किया और वहाँ पे बहुत सारे उनके भक्त इकट्ठे हुए थे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के आसपास बहुत सारा कीर्तन चल रहा था उन्होंने अपने भक्तों को बोला कि श्री रूप मंजरी पाद ये वैष्णव गीत जो है इसको गाइए हाँ उसके बाद सारे भक्तों ने इस वैष्णव गीत को गाया उसके बाद उन्होंने सबको शिष्टाष्टकम गाने के लिए बोला कि आप सभी शिष्टाष्टम के गीत गाइए तो सभी लोगों ने शिष्टाष्टकम गाया और सबको उन्होंने ब्लेसिंग दी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया जाते जाते भी उन्होंने बोला कि कैसे तुम्हें इस गौड़ीय मठ को इस प्रचार को मैनेज करना है हाँ जो कि शिलापुरपाद ने अपना जीवन बना लिया ये वाला संदेश उन्होंने बोला कि तुम जो है दस बारह लोग इकट्ठे करो प्योरेस्ट पीपल जो इसमें से हैं उनको जी बनाओ गवर्निंग बॉडी काउंसिल और वो सारे कार्यों को मैनेज करेगी एंड दैट मीन्स डोंट मेक अ पर्सन एज अ होल सोल इन चार्ज क्योंकि उसमें गड़बड़ हो सकती है इस संप्रदाय को आगे दस हजार सालों तक जाना है हाँ तो इस प्रकार से उन्होंने बोला जाते हुए और आप देखेंगे कि शिलापुरबाद ने इस जो उनकी शिक्षा है इसको अपना जीवन बनाया और शिला ने अपने तिरुभाव से पहले ही जी का निर्माण कर दिया था और वो आज भी जी बी सी चल रही है बड़ा इसीलिए ये स्कौन इस आज इतना विकसित हो पा रहा है क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नहीं है आज के डेट में कि एक व्यक्ति के साथ कभी कुछ गड़बड़ भी हो सकती है हुं? लेकिन एक जी इसमें रहे जो कि बिल्कुल शुद्ध भक्त होने चाहिए और वो सारे कार्यों को संभालें तो शिला प्रपात ने ऐसे किया इसलिए ये स्कॉन आज इतनी ऊंचाइयां ले रहा है क्योंकि शिलापुरपात ने अपना जीवन अपने गुरु की वाणी को पूरा करने में लगाया आप देखेंगे कैसे एक एक, एक इंस्ट्रक्शन को उन्होंने अपने जीवन में उतारा हाँ तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक महानतम भक्त जैसे हमने बोला नयन मणि मंजरी थे जो कि हमारे बीच में आए या हैं हमारे बीच में आए कुछ समय के लिए और इतना सारा जीवन में वो हमें सिखा के गए तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कैसे हम भी अपना जीवन अपने गुरु के प्रति समर्पित करें कैसे हम साधारण बने हम्बल बने इतने नॉलेजेबल होने के बावजूद जितने वो थे एक साधारण व्यक्ति कितने उनकी आप देखेंगे उनका जीवन उनका उनकी फोटोज ही वॉज वेरी सिंपल पर्सन बट जब भी भक्ति के लिए कोई चीज़ यूज़ होने की बात हुई तो भक्ति सिद्धांत हाँ ने एक्चुअली में आ, युक्त वैराग्य को स्थापित भी किया वो आई थिंक पहले व्यक्ति थे जो वृंदावन में कार में गए बड़ी कार में गए तो यानी कि प्रचार के लिए उन्होंने हर वस्तु को यूज़ किया लेकिन उनके निजी जीवन बड़ी साधारण हाँ साधारण था तो इतना ज्ञान के बाद कैसे हमारा दिमाग साधारण बना रहे भगवान और वैष्णो के चरणों में हम ध्यान लगा पाएँ खासतौर तो पर जो उनकी आखिरी ये जो शिक्षाएँ हैं आ, ये हम कैसे याद कर पाएँ आज के दिन हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं आ, तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव दिवस की जय प्रभुपाद की जय